अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे मैं घर में हूँ आटे का पुआ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ले रखा है आटा 2 कप। उसमें मैं डालूँगी सौंफ। सौंफ से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चीनी। टेबल स्पून अकॉर्डिंगली मैं हाफ 1 कप यूज़ कर रही हूँ। आप अगर ज़्यादा मीठा चाहें तो और भी चाट सकते हैं। आटे का पुआ खाने में बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ मैं इतना ही रखूँगी, तो पहले मिक्स कर लूँगी अच्छे से। हाथों से मिक्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लफी बनेगा पुआ। देख सकते हैं मिक्स हो गया है अच्छे से, सॉफ्ट भी अच्छे से हो गया है। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैं पानी ऐड करूंगी। अच्छे से बैटर को मिक्स कर लूंगी हाथ से ही। देख सकते हैं आप यहाँ मिक्स हो गया है। लास्ट में इसमें ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर सोडा, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि हमारा पुआ जो है वो भी एकदम फ्लफी बने। आप हैंड बीटर या ग्राइंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमारे पुआ का बैटर भी बन के तैयार है, इसको भी हम ढक करके रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। कलेजी आपने काम लिया? नहीं उतना ही तो कलेजी तो दिया ही नहीं, बस वो अरु है। क्या कहें, पुआ है, सिंगाड़ा है, वड़ा है, फिर इतना सारा करी है। मीठे पुए बन करके रेडी है। मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।